ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियोफाज, ठीक है जी। तो बैक्टीरियोफाज को क्या कर दिया गया था, सल्फर लेबल कर दिया गया था, जो उसका प्रोटीन पार्ट था, जो उसका कैप्सिड रीजन था, उसको सल्फर लेबल कर दिया गया। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कॉज करवाई गई, और उसके बाद जो एक रिकॉम्बिनेंट है वो फॉर्म हो गया, और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होने के बाद उस बैक्टीरिया को हमने सेंट्रीफ्यूज करवा दिया। और जब हमने सेंट्रीफ्यूज करवा दिया, तब हमने देखा कि कोई भी सल्फर जो है वो डिटेक्ट नहीं किया गया इन सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सुपरनेटेंट के अंदर जो सल्फर है वो नहीं आया, ठीक है ना। वो क्यों नहीं आया, सल्फर क्यों नहीं आया, बिकॉज सल्फर तो कहाँ प्रेजेंट था, सल्फर तो प्रेजेंट था इसके जो बैक्टीरियोफाज है उसके हेड के अंदर, लेकिन ट्रांसफर क्या हुआ अब तक हमें नहीं पता कि ट्रांसफर क्या हुआ। बिकॉज अगर सल्फर डिटेक्ट हो जाता तब हम ये कह देते कि हाँ जी के जो ये कैप्सिड पार्ट है ये ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो इस कैप्सिड के अंदर डीएनए है उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो ऐड कर दिया है। अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ ऐड होगा, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है बेटा, उसके अंदर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, ठीक है जी। फॉस्फेट प्रेजेंट होगा डीएनए के अंदर, तो होगा क्या उसके साथ, जब यहां पर इन्फेक्शन कॉज हुई, यहां पर इन्फेक्शन कॉज हुई, उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट है वो बना, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट है वो हुआ। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यहां पर हमने क्या देख लिया कि फास्फोरस जो है वो सेल्स के अंदर डिटेक्ट किया जा रहा है, सेल्स के अंदर फास्फोरस जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्शन के टाइम पर सेल्स को क्या डोनेट किया था, अपना सल्फर कंटेनिंग डीएनए डोनेट किया था, ठीक है। रेडियो लेबल हम इसलिए करते हैं बिकॉज जो जो सब्सटेंस हमने रेडियो लेबल किया होता है उसको डिटेक्ट करना बड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज रेडियो एक्टिव कोई भी मटेरियल हो वो कुछ रेस प्रोड्यूस करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो वो रेस बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसको रेडियो एक्टिव रखा, ठीक है जी, एंड सल्फर को भी रेडियो एक्टिव रखा, ताकि हम उसको इजिली जो है डिटेक्ट कर पाए। तो विद दिस एक्सपेरिमेंट हर्शियन चेज प्रूव्स दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज का डीएनए अडेप्ट कर लेता है, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन के थ्रू उसको अपना डीएनए सेंड करता है। इससे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट देखा था उसके अंदर क्या देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखा था कि एक बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अडेप्ट कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, कि एनवायरनमेंट में कोई डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, उसको अडेप्ट कर लिया, दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो माउस वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। नाउ हर्शियन चेज के ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इलेबोरेट्स द टेक्निक ऑफ ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन का मतलब क्या है कि वायरसेस के थ्रू भी डीएनए ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है बेटा। सपोज कि हम किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई डीएनए इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कि हमारे पास साइरिल बेटी है, उसने कहा कि मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर सपोज एक जीन इंसर्ट करवानी है, और वो जीन सपोज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाती है, वो जीन रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब हम बैक्टीरिया के अंदर वो जीन डलवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली एक बैक्टीरियोफाज पकड़ेंगे, ठीक है, बैक्टीरियोफाज लेंगे, उसकी जो विरुलेंस है वो खत्म करेंगे, ठीक है, विरुलेंस मतलब उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है वो खत्म करेंगे, एंड उसके कैप्सिड के अंदर क्या डाल देंगे, अपनी वो जो डिजायर्ड जीन है उसको डाल देंगे, ठीक है जी। और बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, उस जीन को ट्रांसफर कर देगा इनटू अ बैक्टीरिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफेक्शन, इसको ट्रांसफेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जो टेक्निक मैंने अभी बोली आपको डीएनए ट्रांसफर करवाने वाली, ये इन डिटेल हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट में है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, ठीक है। उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे बैक्टीरियोफाज को हम लोग एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उस पार्ट पे नहीं जाते हैं हम लोग, अभी हम लोग अगली जो चीज है उस पर फोकस करते हैं। चलिए जी, तो अब जो हमारा अगला काम मैं आपको करवाना चाहता हूँ, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, के हाउ
डीएनए रेप्लिकेट, जो डीएनए है वो खुद को रेप्लिकेट कैसे करवाता है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए जब अपनी कॉपी क्रिएट करता है उस प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है जी, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो वॉटसन एंड क्रिक ने बड़ा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, बड़ा एक सिंपल जो मैकेनिज्म है वो समझाया था डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, और उन्होंने एक बात कही थी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है नेचर के अंदर। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बेटा ऑलवेज रिमेम्बर के जो डीएनए रेप्लिकेशन है, मैंने आपसे कहा था कि डीएनए डी नेचर हो जाता है अगर हम उसको हीट कर दें। ठीक है, उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड्स ओपन अप हो जाएंगे तो अपॉन हीटिंग। ठीक है जी, इसी तरह से अगर हम कुछ एंजाइम्स यूज कर लें, हमारे सेल्स भी डीएनए को ओपन करवाते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर यूज करके नहीं, कुछ एंजाइम्स यूज करके। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है। सपोज कि एक हमारे पास बैक्टीरिया है, सपोज, ठीक है जी, तो उस बैक्टीरिया के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ जीन्स कह लो, ठीक है, वो है 10। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है, 10 है। ठीक है, उसके डीएनए के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स है 10। ओके, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये चीज भी आपको समझाई जाएगी कि डीएनए जो है, डीएनए को अगर आप थोड़ा कंप्रेस कर दो, डीएनए को अगर आप कंप्रेस कर दोगे तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, क्रोमेटिन फॉर्म हो जाते हैं, क्रोमेटिन्स। अगर आप क्रोमेटिन्स को भी और कंप्रेस कर दोगे तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या, क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंप्रेस्ड डीएनए। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंप्रेस्ड डीएनए। आपने सबने कभी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम वर्ड जरूर सुना होगा। सो व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंप्रेस्ड डीएनए। डीएनए को कंप्रेस कर दो तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, तो सपोज कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 10 क्रोमोसोम्स उसके पास प्रेजेंट है, एंड उस बैक्टीरिया ने अब डिवाइड करना है। ठीक है, बैक्टीरिया ने डिवाइड करना है, तो जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा, आफ्टर बाइनरी फिशन दो डॉटर सेल्स बना देगा। ठीक है, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई है, तो उन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे आपके हिसाब से? जिस पेरेंट के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 थे, तो जब उसके डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनके पास कितने कितने होंगे? अब आप में से कुछ सोचेंगे कि दोनों के पास 5-5 होंगे। ठीक है, कोई सोचेगा कि हमें नहीं पता कितने होंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है उस चीज का? तो आंसर होगा बेटा कि जो हमारे पास बैक्टीरिया जब भी कभी डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो पहले अपना डीएनए रेप्लिकेट करवाता है, मतलब कि एक कॉपी क्रिएट करता है अपने डीएनए की। ठीक है, तो सपोज कि उस बैक्टीरिया के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 10 हैं, तो आफ्टर कॉपिंग, एक कॉपी बनने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, कॉपी क्रिएट होगी ना, पहले 10 थे, 10 की कॉपी बन गई तो 20 हो गए। ठीक है जी, अब होगी उसके अंदर डिवीजन। ठीक है जी, अब डिवीजन होगी उसके अंदर, और डिवीजन के बाद हम देखेंगे कि दोनों डॉटर सेल्स के पास 10-10 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिल गए हैं उनको, मतलब कि जितने पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम थे उतने ही, जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम है। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या पता चली कि रेप्लिकेशन इज नेसेसरी इफ एन ऑर्गेनिज्म वांट टू मेंटेन इट्स क्रोमोसोम काउंट। जो क्रोमोसोम काउंट है नेक्स्ट जनरेशन में, अगर उसको मेंटेन करके रखना है तो रेप्लिकेशन इज वेरी 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 एसेंशियल। ठीक है जी, वो जरूरी है। सेकेंड थिंग, रेप्लिकेशन होती कब है?
बेटा प्लस वन में आपने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल फंक्शन जो चैप्टर है वो स्टडी किया होगा पक्का। तो उसके अंदर फेजेस थी, इंटरफेज, एस फेज एंड ग्रोथ फेज, ठीक है जी। ग्रोथ फेज के अंदर फिर प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज एंड टीलो फेज। तो ये क्या थे, ये स्टेप्स थे सेल के डिवीजन के। उसके अंदर एक एस फेज आती थी जिसको हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोलते थे। एस फेज के अंदर हम एक बात लिखते थे कि इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, यानी कि जब भी किसी सेल ने डिवाइड करना है तो एस फेज के दौरान उसका जेनेटिक मटेरियल पक्का खुद को मल्टीप्लाई करेगा, खुद पक्का उस डीएनए की कॉपी जो है वो क्रिएट होगी, पक्का उस डीएनए की कॉपी जो है वो क्रिएट होगी। तो यहां से हमें पता लग गया कि जब भी कभी डिवीजन होगी एक डीएनए की कॉपी बननी है, एंड दैट एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉपी ऑफ अ डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है जी। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसका नेचर किस तरह का है, सेमी कॉन्जर्वेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कॉन्जर्वेटिव, सेमी कॉन्जर्वेटिव का क्या मतलब होता है ये समझते हैं बात। चलिए सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन समझाते हैं आपको कि ये क्या होती है। तो ये है हमारे पास मिसेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन के, एक्सप्लेन द सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए, ठीक है जी। तो सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन समझते हैं। तो सपोज आपको बेटा इस डायग्राम के अंदर ये जो डीएनए है ये विजिबल है, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज विजिबल, ओके। तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स डार्क किए गए हैं, ठीक है। मैं आपको पहले लेमन भाषा में थोड़ा समझा दूं फिर डिटेल में चलते हैं। इसके दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पे डार्क किए गए हैं, ठीक है जी। और जब इसके कॉपी फॉर्म हो रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड डार्क है एक लाइट है, यहां पर भी एक स्ट्रैंड डार्क है एक लाइट है। तो यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि जब रेप्लिकेशन होती है, अब ध्यान से सुनना, जब रेप्लिकेशन होती है उस टाइम पर डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन अप होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ओपन अप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो दो अलग अलग स्ट्रैंड हैं ओपन होने के बाद दो अलग अलग स्ट्रैंड बन गए, ठीक है, लेट्स नेम देम एज स्ट्रैंड ए एंड स्ट्रैंड बी। जो स्ट्रैंड ए है, जो स्ट्रैंड ए है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि अपने किसी दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी हैं, जो कि चेन बी के साथ बड़ी इजीली बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका सीक्वेंस सेम है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस सेम है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड ओपन अप हो गया, स्ट्रैंड ए एंड स्ट्रैंड बी। जो बेटा हमारे पास स्ट्रैंड ए है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, सपोज की सीक्वेंस प्रेजेंट है ए टी सी जी, सपोज इस तरह के सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा, हमने क्या कहा कि कॉपी बननी है, ठीक है ना, कॉपी बननी है। कॉपी कैसे बनेगी बेटा, जो स्ट्रैंड ए था उसके सीक्वेंस यूज करके स्ट्रैंड ए के ऊपर ही एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया जाएगा, और स्ट्रैंड बी के ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास अब डबल स्ट्रैंडेड दो स्ट्रैंड्स हो गए डीएनए के, ठीक है। फिर से सुन लो, चेन ए एंड चेन बी, ये क्या थी, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था, इसको हमने क्या कर दिया, दोनों चेन्स को अलग कर दिया, चेन ए को और चेन बी को अलग कर दिया। चेन ए के ऊपर एक नई चेन सिंथेसाइज हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड्स की, वो एक डीएनए कंप्लीट हो गया डबल स्ट्रैंडेड। चेन बी के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की एक दूसरी चेन सिंथेसाइज हो जाएगी, दैट इज वो हो गया हमारे पास एक दूसरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास दो डीएनए मॉलिक्यूल्स रेडी हैं एक सेल के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो अब आपको होगा कि सर फिर इसका सेमी कॉन्जर्वेटिव का क्या मतलब है, सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या हुआ। सेमी कॉन्जर्वेटिव, सेमी का मतलब आधा, कॉन्जर्वेटिव का मतलब है संभाल लिया गया हुआ, या जिसको हमने कंजर्व कर लिया, मतलब कि आप कह सकते हो कि संभाल के रख लिया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में हम क्या संभाल के रखते हैं,
ध्यान देना यहाँ पर, याद रखना कि जो बेटा ये था हमारे पास, ये हैं दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो हाईलाइट किए मैंने, दीज आर द पेरेंटल डीएनए जिसके अंदर दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, ये अलग अलग होंगे, ठीक है, स्ट्रैंड ए एंड स्ट्रैंड बी बन जाएगा, स्ट्रैंड ए के ऊपर ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया और स्ट्रैंड बी के ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। तो जो ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं? हाँ प्रेजेंट तो हैं। क्या इकट्ठे प्रेजेंट हैं? नहीं इकट्ठे प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज वॉट सेमी कॉन्जर्वेटिव मीन्स, के जो हमारे पास नए आफ्टर रेप्लिकेशन जो नया स्ट्रैंड बना है डीएनए का, नए स्ट्रैंड्स बने हैं डीएनए के आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है, उनमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। सेमी कॉन्जर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी मीन्स एक डीएनए के अंदर आधा स्ट्रैंड पेरेंट का है, मतलब आधा स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व कर लिया गया है और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका वो नया सिंथेसाइज किया गया है। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व कर लिया गया है और दूसरा उसके ऊपर नया सिंथेसाइज किया गया है। तो दिस इज द यू कैन से नेचर ऑफ रेप्लिकेशन दैट इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। जो नए डीएनएस बनेंगे उनके अंदर एक पेरेंट स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, दैट इज द सेंट्रल आइडिया। अब समझते हैं अगली बात। तो इस बात को प्रूफ कैसे किया जाए? समझा तो मैंने दिया आपको, प्रूफ कैसे करोगे इस बात को कि हाँ ऐसा ही होता है? तो आए हमारे पास मिसलसन एंड स्टॉल 1958 के अंदर, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो अपना ये प्रूफ है वो दिया, ठीक है। ई कोलाई की फुल फॉर्म है बेटा इसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव हमारे पास एक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है। देखो बेटा बैक्टीरिया को हम लोग जिस जगह पर ग्रो करवाते हैं, ठीक है ना, और हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को अगर आप ग्रो करवाना चाहते हो तो आपको बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो उन न्यूट्रिएंट्स के एक प्रॉपर सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडियम। क्या बोलते हैं? कल्चर मीडियम, ठीक है जी। तो कल्चर मीडियम कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ओके। तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो करवाया है कल्चर मीडियम के अंदर। अब न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए बैक्टीरिया को, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में तो आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन्होंने उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, ठीक है जी। एक ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का नॉर्मली N14 होता है, N15 इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये यूज किया इन्होंने कल्चर मीडियम के अंदर। अब नाइट्रोजन यूज करने का आइडिया क्या था? अगर मैं आपसे पूछू कि डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है, आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन क्या है? शुगर मॉलिक्यूल, कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन। उन सब में क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन हमने कौन सी दे दी? N15 आइसोटोप, ठीक है जी। इसको भी हम लोग इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, N15 बड़ी इजिली डिटेक्टेबल है, ठीक है। तो हमने उस मीडियम के अंदर N15 डाल दी। अब उस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, तो जितने भी बैक्टीरियाज ग्रो होंगे, नए बैक्टीरियाज जितने भी बनेंगे, सभी के डीएनए के अंदर N15 आ जाएगा। बिकॉज अरे डीएनए भी तो, जो हमारा डीएनए है, हमारे बॉडी के अंदर इतने सेल्स हर रोज नए बनते हैं, बैक्टीरियाज भी कितने ही हर रोज नए बनते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स है वो तो ऑफकोर्स एनवायरमेंट से ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर N15 जो एनवायरमेंट से आना था उसको रेडियो लेबल कर दिया गया है, हैवी आइसोटोप जो है वो यूज कर लिया गया है इसका। तो इसको काफी जेनरेशन तक यूज किया गया और चेक किया गया, जब डीएनए तब पाया गया कि ई कोलाई के डीएनए के अंदर N15 प्रेजेंट है दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर,
दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने वो बैक्टीरियाज उठाए जिनके दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, जिनके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उन बैक्टीरिया को उठाया हमने और एक ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया, एक ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया जिसके अंदर N14 आइसोटोप प्रेजेंट है नाइट्रोजन का। पहले N15 में कल्चर करवाए थे तो दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर क्या आ गया था, N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर आ गया था। अब हमने वही बैक्टीरिया उठाए, उनको ऐसे कल्चर में डाल दिया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो N14 वाला प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर भी ग्रो करवा के देखते हैं। तो उसके अंदर जब हमने, जब बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो किए, जब बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो किए तो क्या पाया गया कि एक स्ट्रैंड के अंदर N15 प्रेजेंट है और दूसरे स्ट्रैंड के अंदर N14 प्रेजेंट है, ठीक है। एक स्ट्रैंड के अंदर N15 प्रेजेंट है और एक स्ट्रैंड के अंदर N14 प्रेजेंट है, जो नए बैक्टीरिया बने उनके अंदर ऑफकोर्स। तो यहां से क्या बात पता चली कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट वाला है और एक नया बना है, जो नया बना है उसके अंदर N15 नहीं आया, उसके अंदर N14 आया है। N14 क्यों आया, बिकॉज जो नया कल्चर मीडिया है उसके अंदर N14 डाला हुआ है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव ना होती तो फिर तो जो नए बैक्टीरियाज बन रहे थे सभी के अंदर N15 N15 ही होते, लेकिन यहाँ पर N14 नया स्ट्रैंड आया है N15 के साथ, विच मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव। डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन के टाइम पर ओपन अप होता है और उसके एक स्ट्रैंड के ऊपर नई चेन जो है वो सिंथेसाइज की जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर दूसरी चेन सिंथेसाइज की जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और दो नए डीएनए बना दिए जाते हैं। तो ये चीज इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ प्रूफ हो गई, हमने N15 और N14 जो है वो डिटेक्ट कर लिए। N15 और N14 वाला जो डीएनए, इसको हमने बोला हाइब्रिड डीएनए, बिकॉज इसके पास N14 भी है और N15 भी है, ठीक है। चलिए फिर हम यहीं नहीं रुके, हमने और आगे करवाया, ठीक है, और आगे करवा के देखा। और आगे जब हमने किया तो हमें क्या मिला उसमें, नेक्स्ट जनरेशन जब करवाई हमने इसी यही वाले बैक्टीरिया की, जिनके पास हाइब्रिड डीएनए था, जिनके पास हाइब्रिड डीएनए था, इनका जब आगे करवाया तो क्या होगा, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल आना ही आना है, एक नया बन गया और एक इसमें और एक पेरेंट के अंदर नया स्ट्रैंड था, मतलब कि N14 वाला था वो ये रहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या चीज प्रूफ हो गई, यहाँ पर भी क्या पता लग गया बेटा जी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा, ठीक है जी। तो N14 और N15 वाला जो ये स्ट्रैंड था, इट वॉज अ हाइब्रिड स्ट्रैंड, ठीक है जी। जब इसके अंदर रेप्लिकेशन होगी, सपोज इसके जो डार्क स्ट्रैंड है उसको नाम दे देते हैं ए और लाइट स्ट्रैंड को नाम देते हैं बी, तो जो लाइट डार्क स्ट्रैंड है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। रेप्लिकेशन के टाइम पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डार्क स्ट्रैंड अलग, लाइट स्ट्रैंड अलग। डार्क स्ट्रैंड के ऊपर एक नया डीएनए चेन सिंथेसाइज हो गई, लाइट स्ट्रैंड के ऊपर एक नई डीएनए चेन सिंथेसाइज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, N15 यहाँ पर आ गया और इसमें हमें कोई भी N15 नहीं मिला, ठीक है जी। तो यहां से हम ये प्रूफ कर दिया हमने कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रोसेस, ये सेमी कॉन्जर्वेटिव होती है नेचर के अंदर, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जो कि डिवाइड करता है। हर एक सेल, जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो रेप्लिकेशन जरूर होगी उसके अंदर, ठीक है। रेप्लिकेशन के टाइम पर होता क्या है कि सपोज जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड क्या, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका नाइट्रोजनस बेस है ए, ठीक है। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका पहला न्यूक्लियोटाइड होगा टी, ए के साथ बाइंड होगा टी, और जो हमारे पास सेकंड पेरेंटल स्ट्रैंड का जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, सपोज अगर वो सी है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका सेकंड न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ठीक है। अगर सपोज पेरेंटल स्ट्रैंड का थर्ड न्यूक्लियोटाइड है सी, तो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, जी। यही हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंटेरिटी के नेचर के अंदर भी, कि जो डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नेचर के अंदर, और
जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा। तो बेटा ये थी हमारे पास स्टोरी ऑफ मिसेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट।